सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय ये है कि जानकारी मिलना अपनी जगह एक विषय है, लेकिन जानकारी के लिए जो लोग मारे जा रहे हैं वो सबसे बड़ा विषय है। जिस तरह से ये बिहार की घटना 2021 में आई सामने, उसमें विपिन अग्रवाल की हत्या हो गई, वहां पर काफी शोर शराबा मचा। मैंने भी ट्वीट किया, मैंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके अलावा जो सारे तथ्य हैं वो सामने रखने चाहिए। दूसरा, उसने अगर शिकायत की थी तो जो DOPT का सर्कुलर है जिसके तहत पुलिस को उसमें उसकी जांच करनी चाहिए थी, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वो सारे लैप्सेज हैं उसमें, अथॉरिटी के लैप्सेज हैं। और अभी जो हाल में जो उसके जो RTI एक्टिविस्ट हैं दिवंगत श्री विपिन अग्रवाल, उनके बेटे रोहित अग्रवाल 14 साल का बच्चा था, उस बेचारे ने वो गया वहां पर, पुलिस ऑफिस गया, वहां पर वो बात बात करके आया, एंड ही वॉज फीलिंग सो डिजेक्टेड बाय द सिस्टम। उसको ये जवाब नहीं दे पा रहा है सिस्टम कि उसके पिता की हत्या कैसे हुई, कौन थे वो लोग, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, उसके जो भी सवाल थे उस मासूम बच्चे के। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वो अपने घर आया, उसने खुद को आंख के हवाले किया, तीसरी मंजिल से कूद गया, ही कमिटेड सुसाइड। एंड वी शुड बी सॉरी फॉर दैट पुअर बॉय कि हमारा सिस्टम जो है इतना ज्यादा एपेथेटिक है, कोई संवेदनशीलता नहीं है कि एक बार तो मतलब उसके पिता बेचारे की उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, उसके बाद उनका बच्चा जो है वो न्याय के लिए भटकता रहा, अपने बाप के हत्यारों के खिलाफ वो एक्शन के लिए गुहार लगाता रहा, उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो हम किस तरह का सिस्टम, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का एक्ट, किस तरह का प्रोविजन, किस तरह के संवैधानिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो जिनको इस संविधान की रक्षा के लिए रखा गया है, वो कर क्या रहे हैं? तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। और सिर्फ ये एक बच्चे के पिता की मौत का मामला नहीं है, एक RTI एक्टिविस्ट के पिता का मौत का मामला नहीं है, ये जितने RTI एक्टिविस्ट हैं, जो लोग काम करते हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लड़ते हैं, जो इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए लड़ते हैं, उन सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है कि इसमें हमें पुरजोर तरीके से इसमें सबको मिलकर के एक सिस्टम को इवॉल्व करने की, ताकि लोग संवेदनशील बने, जिनके पास कमान है, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जिनके पास कमान है, पावर है, वो लोग इसमें कुछ प्रोएक्टिवली कुछ काम करें और आगे ऐसी मौत ना हो, इसकी कोई व्यवस्था हो। तो मेरा आप सब लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को मिल करके, हम सबको मिल करके इसमें कुछ आप लोग रास्ता निकालिए कि इसमें कैसे आगे बढ़ करके हम लोग इसमें कार्रवाई करें, किस तरह से एक व्यवस्था निर्मित हो, ताकि मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए सबके पास कि जो संवैधानिक अधिकार, जिस तहत के एक आम आदमी को इस देश की संसद ने जो अधिकार दिए हैं और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से जो अधिकार मिले हैं, वो उसका पालन कैसे हो सके। और एक डिग्निफाइड वे में हम लोग जो जानकारी मांगना चाहता है, जो प्रशासन से सवाल करना चाहता है, वो सवाल कर सके, इस बात का भय नहीं रहे कि मैं सवाल पूछूंगा, मैं RTI लगाऊंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, हम लोग जो जानकारी मिल रही है वो मिलेगी, लेकिन जो लोग जानकारी अगर मांगने वाले ही मार दिए जाएंगे, तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा, हम किस चीज के लिए हम ये वेबिनार करेंगे और किस चीज के लिए हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर सहमत हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको मिलकर के अपना इसमें राय बताएं मुझे कि इसमें कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और इसमें लीड तो मैं लूंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं जहां बोलेंगे जिस पिटीशन में साइन करने को मैं तैयार। सर, इस मैटर में कल मैंने बात किया था SP से, मोतिहारी के जो SP है उनसे मैंने बात किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने ऑडियो भी डाला था ग्रुप के अंदर में, कि उन्होंने ये बताया कि हमने चार्जशीट फाइल कर दिया हुआ है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ, 8 लोग फरार चल रहे हैं अभी, और आगे की जांच अभी जांच से संतुष्ट नहीं है उनके परिवारजन, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, SP का ये कहना था कल, उसका ऑडियो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। सर क्या बोल रहे हैं, वो जांच से संतुष्ट नहीं है? SP का कहना ऐसा था कि उनके परिवारजन हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है, इसके लिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो कर दीजिए उसमें CBI जांच, कौन सी दिक्कत है, कर देनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर कुछ लोग फरार चल रहे हैं, हमारे देश में हमें भी मालूम है कि व्यवस्था कैसी चलती है और कानून कैसे काम करता है,
किसी भी वीआईपी आदमी का काम देख लीजिए और उस दिन का देख लीजिए, एक दिन के अंदर सारे आप ऊपर से लेके नीचे तक एसटीएफ लगा करके, देश की सारी सिक्योरिटी एजेंसी लगा करके आप उसमें सॉल्व कर देते हैं, वो कैसे होता है? क्योंकि ये घटना जो है 6 महीने पहले की है सर, ये घटना जो है 6 महीने पहले की घटना है। 2021 में मुझे याद है मैंने मैटर को उठाया भी था इसको, जब ये हत्या हुई थी। हाँ तो मोरे साहब उसमें फिर क्या बोल रहे हैं वो एसपी साहब? सुरेश मोर जी, सर इस विषय पर उनसे भी चर्चा हुई है आपके शैलेश गांधी सर से, और उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब इसमें पिटीशन तैयार की जाए और वो इस पर मतलब वो भी इसमें प्रयास करेंगे, साइन करेंगे, तो वही तरीका होगा हमारे ख्याल से, इसको जल्दी पिटीशन तैयार की जाए और सबको साइन करके इसको लगाया जाए। आपके आने से पहले ये बात हमने उठाई थी और शैलेश सर जाने वाले थे, तो हमने कहा कि ये मामला एक आया है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार हैं। आत्मदीप जी भी कार्यक्रम में ही हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस विषय पर अपना चिंता जाहिर किया और उन्होंने भी कहा कि हम भी इसमें तैयार हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आत्मदीप सर इसको आप थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके इस विषय पर कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं तो। जी वही बात कहूंगा जो शैलेश गांधी जी ने और हमने कुछ देर पहले कही थी कि 6 महीने पहले की घटना में को लेकर जिस आरटीए कार्यकर्ता की हत्या हुई उसके बेटे का अभी सुसाइड करना, ये दर्शाता है कि संतोषप्रद कार्रवाई इस मामले में नहीं हो रही। जो बिहार मोतिहारी के भाई ने बताया कि मोतिहारी के एसपी का ये कहना है कि हमने इतना अरेस्ट कर लिया, इतने लोग फरार हैं, वो एक औपचारिक जवाब हो सकता है। तो हम सब मिलकर अगर राहुल जी इस मामले में कोई चिट्ठी ड्राफ्ट करें तो बिहार के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, वहाँ के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को ये भेजी जा सकती है और सोशल मीडिया पे भी इस बारे में याचिका डायरेक्ट डालकर लोगों से उस पर हस्ताक्षर करने की अपील की जा सकती है, जिससे संबंधित सरकारी एजेंसियों पर दबाव बन सके। धन्यवाद। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा इसके साथ कि माननीय भाई देवेंद्र अग्रवाल जी ने जो धारा 18 और 19 से जुड़ा मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है।